आज का रेसिपी है मसाला चिकन। देखिए उसका पूरा प्रोसेस। सबसे पहले देखिए चिकन लेना, आधा केजी चिकन है। ये देखिए मसाला है छोंक से लेके और मसाला डालने वाला और तेल है। देख लीजिए कढ़ाई में तेल गरम करने दे दिए हैं, सरसों का तेल है, सूखा मिर्ची, धनिया और खड़ा गरम मसाला डाल देंगे। देख लीजिए और ये थोड़ा सा ये कुटा हुआ अदरक और लहसुन था वो डाल दिए हैं और इसमें चिकन गिरा देंगे। देख लीजिए आधा केजी चिकन है। अब जितना चिकन वो हिसाब से मसाला ले लीजिएगा, आधा किलो के हिसाब से मसाला लिए हैं, आधा केजी के हिसाब से। देख लीजिए सब कुछ अच्छा से मिक्स करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट भुनना है। इसको अच्छा से 1 से 2 मिनट भुनेंगे। ये हरी मिर्ची भी डाल दिए हैं और खड़ा लहसुन भी डाल दिए हैं। इसको हल्का सा छिलका निकाल के डाल देना है। बहुत टेस्टी बनता है, इसी तरह बनाइएगा चिकन मसाला, बहुत टेस्टी बनता है। और सूखा वाला चिकन मसाला बना रहे हैं। देखिए भून दिए, 1 से 2 मिनट हो गया इसको भुना हुआ। देख लीजिए साइड में तेल छोड़ने लगा इसमें से, ये भुना गया। आज बाकी जो मसाला है हल्दी मिर्ची गरम मसाला देखा जो गरम मसाला दिखाए थे, गरम मसाला भी और चिकन मसाला भी डालना है। जितना हम चिकन लिए उस हिसाब से मसाला डालिएगा। हम आधा के चिकन लिए उस हिसाब से मसाला डाले हैं। देख लीजिए इसको भी 1 से 2 मिनट भुनना है। 1 से 2 मिनट भून दिया। इसमें फ्राई किया हुआ पीला प्याज है वो डाल देंगे। देखिए फ्राई किया हुआ प्याज है, ये मार्केट में मिल जाता है आसानी से, घर पर भी फ्राई कर सकते हो। वो डाले, इसको 1 से 2 मिनट और भुनना है। थोड़ा सा पानी डालना है हल्का सा, बस उसको भूनते रहना है। आँच को धीमी रखना है, भूनते हैं इसको, फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए ये बन चुका है, देख लीजिए ये पूरा हो चुका है। देख लीजिए देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। ये परोठा के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए हम परोठा के साथ खाने के लिए बनाए हैं। आप लोग चाहे तो रोटी परोठा के साथ खा सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा चिकन मसाला बनकर तैयार है, आइए आप लोग भी खा लीजिए।